नमस्कार, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको क्रेजी किचन में। दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं दिवाली स्पेशल एक थाली की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये थाली की सारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मीठा बना के तैयार करते हैं। तो आज मैं लापसी बनाने जा रही हूँ। लापसी गुजरात और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक पैन गरम होने रख दिया है। पैन गरम है, अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी को गरम होने देते हैं। घी गरम हो गई है, अब हम इसमें 2 इलायची, 2 लौंग और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। बस हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप लापसी डाल देते हैं। लापसी को भी थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेते हैं, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, एक व्हाइट जैसा कलर हो जाएगा। लापसी या फिर दलिया का पैकेट आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये अच्छे से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये जो लापसी है इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चॉप्ड काजू और बादाम को ले लिया है। इसके साथ थोड़ा सा किशमिश भी यूज़ किया है। आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लो फ्लेम में 1 मिनट जितना भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। थोड़ा सा नमक ऐड करने से बहुत अच्छे से मीठा बैलेंस होता है। इसके साथ साथ हम ऐड कर देते हैं शुगर 1/4 कप। शुगर और गुड़ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपकी क्वान्टिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी। जितना लापसी आप यूज़ करें उसका 3 गुना पानी यूज़ करना है। पानी को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम में हमें 4 सीटी आने तक कुक करना है। 4 सीटी आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद हम ये प्रेशर कुकर को खोलेंगे। ठंडा हो गया है, अब हम प्रेशर कुकर को खोल के चेक करते हैं। ये देखिए, लापसी अच्छे से कुक हो गया है। इसे कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस को हाई फ्लेम में कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून दूध। उससे ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं ऐड करना है और इसको हाई फ्लेम में ही मिलाते जाना है जब तक दूध अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। 2 मिनट टाइम लगता है। लापसी बनके तैयार हो गया है। इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अब हम पनीर लबाबदार बनाते हैं। इसके लिए मैंने पैन गरम होने रख दिया है। पैन में डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके। प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 5-6 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक के टुकड़ा। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का भून लेना है। इसके साथ साथ हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटो को चॉप करके डाल देते हैं। 10-12 काजू को मैंने भिगा के रखा हुआ था, इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगा देंगे और लो मीडियम फ्लेम में इसे कुक होने देते हैं 5-6 मिनट के लिए। बीच बीच में हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे जब तक ये टमाटो प्याज अच्छे से पकना जाए। टमाटो प्याज सब कुछ अच्छे से कुक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। एक बार ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड करके इसका एक प्यूरी बना के तैयार कर देंगे। अब हम पैन में डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। इसके साथ 1 चम्मच बटर ऐड कर देते हैं। तेल और बटर को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डाल देते हैं। इसके साथ 1 चम्मच जीरा भी डाल देते हैं। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हम जो मसाला का प्यूरी बना के रखे थे इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं। सारा मसाला हमारा कुक हो गया है इसीलिए हमें ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है क्योंकि काजू है तो बहुत जल्दी ये नीचे चिपक जाता है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाला ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये सारे मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, कवर कर देंगे और कवर करके इसे 2-3 मिनट के लिए कुक करने देते हैं जब तक ये मसाला चारों तरफ से तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है। ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम डाल देते हैं। आप चाहे तो घर का मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को भी अच्छे से मिला लेते हैं।
क्रीम को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4-5 टेबलस्पून दूध, या फिर आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना दूध या फिर पानी यूज़ कर सकते हैं। दूध को भी अच्छे से मिला लेते हैं। दूध अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच शुगर या फिर 1/4 चम्मच शुगर। ये मीठा बिल्कुल नहीं लगेगा, बस एक हल्का सा सारे फ्लेवर को बैलेंस करेगा। इसके साथ साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये ग्रेवी हमारा बनके तैयार हो गया है। इसके साथ हम डाल देंगे 200 ग्राम के पनीर को मैंने क्यूब में काट के रखा हुआ है। ये सारे चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अब पनीर को बस ये ग्रेवी में 1-2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये पनीर लबाबदार बन के तैयार हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अब मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल के आलू गोभी की सब्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम है। हम आलू को फ्राई करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू का छिलका निकाल के इसको अच्छे से धो के लंबा लंबा काट लिया है। अब हम इसको तेल में डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम में आलू को हमें फ्राई करना है, ताकि आलू अच्छे से पक भी जाए और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल के एक टिश्यू पेपर में रख देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर निकल के आ जाए। उसी तेल में हम डाल देते हैं गोभी को। गोभी को मैंने काट के धो के अच्छे से रखा हुआ है, ड्राई भी हो गया है। ये गोभी को भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोभी का कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। गोभी को हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब ये गोभी को छान के हम बाहर में रख देते हैं टिश्यू पेपर में, ताकि इसके भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल के आ जाए। मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम होने रख दिया है। पैन में डाल देते हैं 3-4 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता, इसके साथ 1 बड़े चम्मच जीरा। ये सारे मसाले को थोड़ा सा बस कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फाइनली चॉप करके। गैस के फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे और ये प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये प्याज का स्मेल चला गया है, अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े साइज टमाटो को फाइनली चॉप करके। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और ढक्कन लगा के हमें तब तक कुक करना है जब तक ये टमाटो अच्छे से पक ना जाए। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला नीचे लग जाता है। ये टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे ड्राई मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए और कुक करते हैं, जब तक मसाला अच्छे से चारों तरफ से तेल ना छोड़ दे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और मसाले को कुक हो जाने देते हैं। मसाला अच्छे से कुक हो गया है, ये चारों तरफ से तेल भी छोड़ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। इसके साथ साथ हम डाल देंगे जो आलू और गोभी को हम फ्राई करके रखे थे इसको, और इसको भी मसाले के साथ 2-3 मिनट के लिए ऐसे भून लेते हैं। ढक्कन लगाएंगे और इसे 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे लो मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं, या फिर आप पानी बिल्कुल ना ऐड करें। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे चिपक ना जाए। अब हम इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड कर देंगे, मिला लेते हैं और ढक्कन लगा के इसे 5-6 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, जब तक आलू गोभी अच्छे से पक ना जाए। आलू गोभी फ्राई हुआ है तो 80% इतना ऑलरेडी कुक हो गया है। इसे बस ये आलू गोभी अच्छे से पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं कटा हुआ, उसके साथ साथ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल के मिला लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल पे निकाल लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हम इसमें 1 कप तुअर दाल को मैंने 1/2 घंटे पहले भिगा के रखा हुआ था धो के, इसको डाल देते हैं। 1.5 कप पानी डाल देते हैं। 1 टमाटो को चॉप करके डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, इसके साथ साथ थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन। इसे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये सारे चीज़ डाल के इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको 2-3 सीटी आने के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देते हैं। 3 सीटी आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन गरम होने रख दिया है। पैन में अब हम डाल देते हैं 2-3 चम्मच तेल। तेल में डाल देते हैं 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च,
एक बड़े चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच राई। अब ये सारे चीज़ को थोड़ा सा चटकने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, इसके साथ साथ थोड़े सी कटा हुआ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च। ये सारे चीज़ को थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। ड्राई मसाले में अब हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब जो दाल हमने उबाल के रखे थे इसको ये तड़का में मिला लेते हैं। दाल को 2-3 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं लो मीडियम फ्लेम में। जब तक दाल बॉयल हो रहा है तब तक हम एक तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन को गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी। ये वाले तड़का में आप ज़रूर घी यूज़ करें, घी के एक बहुत अच्छा खुशबू आता है दाल में। अगर आप तेल यूज़ करेंगे तो वो खुशबू और वो टेस्ट नहीं आएगा। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और ये तड़का पैन को बाहर निकाल के आ जाते हैं। अब हम इसमें डाल दें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फटाक से लेके इसको दाल में डाल देंगे ताकि ये जो लाल मिर्च है ना वो जले नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत अच्छा खुशबू आता है। थोड़ा सा कटा हुआ हरे धनिया डाल देते हैं और इसको सर्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर गर्म बने रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 चम्मच जीरा। ये सारे मसाले को कुछ सेकेंड्स के लिए भून जाने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप बासमती राइस। इसे मैंने अच्छे से धो के ले लिया है, इसे मैंने भिगा के नहीं रखा हुआ था। इसको भी कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेते हैं। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम में रखेंगे। ये चावल थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1.5 कप पानी, जितना आपको राइस लेना है उसके 1.5 गुना पानी लेना है और 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस थोड़ा सा ऐड करने से चावल एकदम खिला खिला रहता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकता है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम में इसे 2 सीटी आने तक कुक करेंगे। 2 सीटी आ गया है। अब ये कुकर जब तक ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये हमारा जीरा राइस बन के तैयार हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल और नमक को आटे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा लगा के तैयार करते हैं। ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देते हैं, उसके बाद हम इसका पूरी बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है। ये आटा को बोर्ड पे ले आते हैं, थोड़ा सा मसल लेते हैं, इसका छोटे छोटे लोइया तोड़ के तैयार कर लेते हैं। सारे लोइयों को बाउल में रखते हैं और एक एक लोई उठाएंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसको बेलते जाएंगे, इसको थोड़ा सा बस मोटा बेलेंगे। सेम प्रोसेस में बाकी के सारे पूरी बना के तैयार कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम होने रख दिया है। तेल हमारा अच्छा गरम है। अब हम इसमें एक एक पूरी डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों साइड से। तो पूरी को बाहर निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस में बाकी के सारे पूरी बना के तैयार कर लेते हैं। सेम तेल में हम थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे चावल का आटे का जो पापड़ आता है वो यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, कहीं पे भी आपको रेडीमेड पैकेट मिल जाता है ग्रोसरी शॉप में, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने रायता बना लिया है। गलती से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था तो ये मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे 1/2 कप दही में मैंने थोड़ा सा पानी लेके मिला लिया है। इसमें थोड़ा सा कैरेट, कुकुम्बर, प्याज, हरी धनिया और ग्रीन चिली को मैंने काट के डाल लिया है। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लिया है। ये सारे रेसिपी बन के तैयार हो गया है, तो चलिए हम सर्व करते हैं। रसमलाई की रेसिपी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको ये सारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये रेसिपी में से कोई भी रेसिपी आप ट्राई कर रहे हैं तो फोटो खींच के मुझे मेरे ईमेल आईडी में ज़रूर भेजिए, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में से ऐड करूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।